ये देखिए, ये सनाठा विलेज में जो पानी होते हुए हमारे यहाँ घरों तक पहुँचता है, देखिए रास्ते में किस तरह पानी लगा हुआ है। कोई पीएचई वाला वर्कर हमारे पास नहीं आया। 4 दिन से ये पानी यहाँ पर छूटा हुआ है। देखिए यहाँ घर भी है नीचे, आप देख सकते हैं, इसको खतरा है। यहाँ देखिए पानी किस तरह छूट रहा है, इसको कहीं डॉट लगा हुआ है। तो यहाँ पर मेरी हालत देखिए क्या बनी हुई हालत है। तो ये मेरे साथ हेल्पर आए हैं यहाँ काम, मेरी मदद करने। तो ये देखिए यहाँ पर रोड की हालत क्या है, ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए अभी अभी मैंने पाइप यहाँ पर काटी और ये देखिए क्या निकला इसमें से। ये पीएचई डिपार्टमेंट के वर्कर ना हाउस को साफ़ करते हैं और ना इस लाइन को देखते हैं। ये देखिए क्या खिला रहे हैं हमें, ये कैसा पानी पिला रहे हैं, बिल्कुल भी साफ़ नहीं करते हैं हाउस को। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, ये देखिए, एक तो ये किराया लेते हैं 1900 कुछ लिया है इस साल इन पीएचई डिपार्टमेंट के वर्करों ने हमसे किराया, साल का लिया है कि 2 साल का कुछ पता नहीं। तो ये देखिए, और ये देखिए इस पाइप में क्या फंसा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पानी क्या पियेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हाउस को अच्छी तरह साफ़ किया जाए और वहाँ पर जाली लगाई जाए जहाँ से पानी यहाँ के लिए आता है। ये देखिए मेरी हालत क्या बनी हुई है, ये देखिए पूरा गीला हुआ है। कोई पीएचई डिपार्टमेंट का वर्कर यहाँ पर नहीं आया, हमने फ़ोन भी किया और कहने लगा मैं किसी दूसरी साइड गया हूँ। जनाब हमारी समस्या यही है कि हमें 4 दिन से पानी नहीं है। मैंने जब सुबह पीएचई डिपार्टमेंट के वर्कर दर्जी साहब को फ़ोन किया, उनको कहा कि जनाब आप 4 दिन से लाइन पे नहीं आए, हमें 4 दिन से पानी नहीं है, आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी AW साहब ने पंचेयर लाइन पे लगाई है। उसके बाद जय साहब को भी फ़ोन किया, उन्होंने भी यही कहा। फिर मैं खुद चला गया लाइन पे और मैंने देखा कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं। तो वहाँ पाइप में डॉट लगा हुआ था और पानी वापस जा रहा था, तो वहाँ रास्ते में पानी लगा हुआ था और इतनी खस्ता हालत थी रास्ते की। तो उसके बाद मैं घर आया और मैंने घर से आरी ली और मैं वहाँ जहाँ डॉट लगा हुआ था मैंने वहाँ पाइप को काटा और वहाँ देखा जनाब, आप देख सकते हैं, मैंने फ़ोटो भी उठाया और वीडियो भी उठाई उस चीज़ की। तो वहाँ उसमें मेंढक फंसा हुआ था। तो ऐसा पानी पिला रहे हैं हमें, हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इनको थोड़ा सा कसें, इनके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई की जाए। ये हाउस को साफ़ नहीं करते हैं, जाली नहीं लगाते हैं, अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं, तो हमें ऐसा पानी पिला रहे हैं। अगर वहाँ जाली होती हाउस में तो ये मेंढक आगे नहीं आता तो और हमारे लिए इतनी मुसीबत खड़ी नहीं होती।